चलो देखते हैं, ये हमारा स्टूडेंट का स्टूडियो टेस्ट है। देखो ये रेफरेंस है और इसने ये टेस्ट करके पीछे भेजा है, तो रेफरेंस जो दे रखा है उससे आप कितना मैच कर सकते हो। काफ़ी चीज़ को देखो तो काफ़ी तक मैच करके दिया है उसने, कि अगर चीज़ों को देखा है तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग, वैसे लाइटिंग का टेस्ट नहीं था, ये मॉडलिंग और टेक्सचरिंग का टेस्ट है। इसमें काफ़ी चीज़ें बता रखा है कि कैसे आपने मैनेज किया, प्लस में इसको कैसे इसने मैनेज करके दे रखा है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करके दिया। वो लुक एंड फील दिया, उसको सेम सीन के साथ मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पर, कि कैसे आप मैनेज करो छोटी छोटी चीज़ों को, कैसे आप वेल मैनेज करके प्लेस कर रहे हो, ठीक है। कितना आप चीज़ों को मैच करो, ये सारी टेक्निक है जो चीज़ डिस्कस की गई है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें बताया गया, ठीक है। अभी देखो ये आपका इन्वायरमेंटल टेस्ट आपका आ रहा है यहाँ पे। देखो ये इन्वायरमेंटल टेस्ट में अगर आप देखो यहाँ पे, ये आउटपुट, ये देखो यहाँ पे आपको दो टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या काम करना है वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। कि भाई दो आपके मॉडल दे रखे, तो दो में से आपको वैगन बनाना है या ये बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मॉडल है, यूवी है, टेक्स है, तीन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो मोस्टली होता है क्या, मॉडलिंग में सब लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है, टेक्सटिंग में आगे निकलते हैं, यूवी पे ध्यान नहीं देते। यूवी सबसे मेन रोल प्ले करता है, आपका लेआउट अगर अच्छा नहीं है तो वो चांसेस नहीं बनेगा क्या, ठीक है। फिर इन चीज़ों को देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखा है, आई थिंक अभी तक इतना डिटेल में मैंने और किसी का टेस्ट नहीं देगा। इवन इन्होंने फोकल लेंथ भी दे रखा है, फोकल लेंथ मैच करने के लिए अगर कैमरे के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ देने के बाद यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको दिखाएगा भाई, इसके क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। टेक्निकल ने यहाँ पे एकेडमिक टेस्ट दे रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल वे में बता रखा है। 10 मिलियंस पॉलीगन, ठीक है, मतलब 1 करोड़ पॉलीगन तक आप यूज़ कर सकते हो, डोंट गो ओवर, 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। जितना आपको देखना है, काम करना है, आपको यहाँ पे क्या देना है, कि आपको यहाँ पे एच फ्लो प्रॉपर देखना है, कि भाई एच फ्लो कैसा है, ठीक है। वायर फ्रेम आपको देखना है, कि भाई आपको वायर फ्रेम कभी आपको सबमिट करना है, ग्रे स्केल इमेज भी सबमिट करना है, एज वेल एज टेक्स्चर इमेज इफ़ यू गेट इट टू इट, ठीक है। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो भी आपको जितना किया उतना भी आपको भेजना है, मेक श्योर, ठीक है। मॉडल यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड्स में बता रखा है, हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। लोगों के माइंड में क्या होता है, जैसे कभी कभी आपका गेमिंग प्रोडक्शन कई चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है कि वो लो पॉली में बना के छोड़ देते हैं, मिड पॉली में बना के छोड़ता है। इसने मोस्टली बोल रखा है कि हाई रेजोल्यूशन चाहिए, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन क्वालिटी मॉडल बिफोर मूविंग टू द टेक्सचर, मतलब यहाँ पे पहले से मेंशन करके आप मॉडल की क्वालिटी को थोड़ा सा फोकस करना है क्या, टेक्सचरिंग पे जाने से पहले। ऐसा नहीं कि आप टेक्सचर पे चले गए सीधे मॉडल करने के बाद, तो पहले अपने मॉडल का लेवल जितना मैच हो उसके मैच करो। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटी चीज़ होती है मैच करना आसान होता है, इसमें छोटी सी चीज़ नहीं है, चीज़ इतनी बड़ी दे रही है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्ट को मैच करना है, कितना मैच कर सकते हो, ठीक है। ट्राई टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, मुझे लगता है इसका चांसेस बन जाएगा जो उसने ये टेस्ट दिया है। आई थिंक इसका अगर मैं कहूँ तो आउटपुट अच्छा है, ठीक है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं वहाँ से वहाँ का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। वर्क ऑन सेटिंग टिकेट टू गेट रियलिज्म एंड लुक एंड फील ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई। जितना मटेरियल के बारे में बोल रखा है, मटेरियल का ध्यान दो, कितना आप रियलिस्टिक दे सकते हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी दूसरे टेस्ट के बारे में देखो, उसके इंटीरियर में आपको आग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबमिट टेस्ट कैसे करना है ये आपको समझना है, ठीक है। जब तक आप लाइक सबमिट में आप किस टाइप से टेस्ट अपना देने वाला, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट है, साइड है, टॉप एंड परस्पेक्टिव, ठीक है, इमेज, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आप चीज़ों को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और टेक्सचर में आप किस टाइप से प्राइमरी टेक्सचर, टेक्स सेकेंडरी टेक्सचर किस टाइप से करो, जैसे आपको टेक्सचर में भी क्या होता है, क्या टेक्सचर के अलग अलग लेवल भी होते हैं। जैसे आपने क्या डिफ्यूज टेक्सचर किया, उसमें डॉट ग्रेम अलग अलग यूज़ करके आप लेयर शेडर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ कि भाई आप कैसे अलग अलग लेयर को कैसे आप डाल के मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मॉडल ओबीजे फॉर्मेट में चाहिए, वो चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए कि ठीक है कि हम किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पे। और लाइक इसके अंदर कुछ दे रखा है भाई, मॉडलिंग है, ठीक है, ठीक है, ग्राफिक इंक्लूडिंग डेमोंस्ट्रेशन एबिलिटी, ठीक है, किस टाइप से आप दिखा सकते हो। आफ्टर देन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जिप ऑल रेंडर एंड फाइल एंड अपलोड डैम टू द गूगल ड्राइव। यहाँ पे गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करना है, ये चीज़ आपको स्पेशली मैंसन कर रखा है कि अगर आपने गूगल ड्राइव में अपलोड नहीं किया तो वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे डेडलाइन है, डेडलाइन आपको क्या 5 डेज का, 5 डेज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देना है कि भाई मॉडलिंग टेक्सचरिंग, मॉडलिंग यूवी एंड टेक्सचरिंग, ठीक है। कई लोग मॉडलिंग और टेक्सचरिंग पे सीधे पहुँच गए, यूवी का पार्ट इसमें मेंशन कर रखा है, यूवी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक ये पूरा का पूरा एक पार्ट है। रेफरेंस यहाँ पे दिखा दिया मैंने, तो ये रेफरेंस हमने देखा, ये रेफरेंस सीधे रखा है, आपको ये प्रॉपर डिटेल में बनाना है, ठीक है। इसे बनाने में टाइम लगेगा, इवन मैं आपको बताऊँ, जो भी कोई नया बंदा होगा जो इसे अटैम्प्ट कर रहा है, मॉडलिंग करने में भी टाइम लगने वाला है,
जितनी छोटी सी इसमें देखो छोटी 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 बारीक वाली चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितनी बारीकी वाली चीज़ें देखेंगे आप यहाँ पे। अभी अगर आपको लगता है कि आप इसमें कितना डिटेल में काम कर सकते हो, तो यहाँ पे चीज़ ऐसी भी हैं, अगर आप इस चीज़ को अगर आप छोटे छोटे पार्ट को देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको लगता है जीवस का यूज़ करना, तो जीवस भी यूज़ कर सकते हो। इतनी बारीक चीज़ों को देखो, यहाँ पर टूटे फूटे चीज़ें भी हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी बोल रखा है कि आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल लाइक प्राइमरी मिड एंड एडवांस लेवल तक का आपको यहाँ पे बोल रखा है। तीन ऑप्शन है, आप इन तीनों में से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर सपोज आपने फुल लेंथ वाला आउटपुट दिया, आपने डिटेल नहीं किया, ये सब छोटे छोटे डिटेल आपने छोड़ रखे हैं, तो ये चीज़ें लाइक आपका प्राइमरी में भी हो सकता है और सेकेंडरी में भी हो सकता है। जिसने पूरा फुल लेंथ वाला एज इट इज डिटेल दिया, वो आपका लास्ट में, ठीक है, उसमें जाने वाला, उसका नाम आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे कितने डिटेल, क्या क्या पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट देखो, छोटे छोटे पार्ट हैं, उनके यूवीज और बाकी सब चीज़ को कैसे निकालना है, एक एक चीज़ की प्लेसमेंट है, इन मॉडल को बिल्कुल मैच करके देना कि मैच कैसे करोगे। ठीक है, आपका यहाँ पे बेस का बेस भी देखा, बेस में आप कैसे मैनेज करोगे, तो थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैंने गाइड किया था। और मैं कहूँ अगर एट देन अगर देखा है, तो एट देन में अगर जो आउटपुट मिला काफ़ी हद तक अच्छा दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तो मैं बस यहाँ पे रेंडर आउटपुट, ठीक है, ऐसे भी कुछ करके दे रखा है कि भाई यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो फ्रंट साइड यहाँ पे कुछ कुछ एंगल दे रखा है कि भाई किस टाइप से आप चीज़ों को कर सकते हो। काफ़ी तक अटैम्प्ट किया है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा सा मिस है, लेकिन ठीक है, अटैम्प्ट अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा है तो इसमें लाइक इसके अंदर देखो तो काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल करने की कोशिश की, खासकर टेक्सचरिंग पे काम अच्छा करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत बारीकी में जाऊँगा तो मैं कुछ कुछ गलतियाँ भी मुझे दिखेंगी, लेकिन हाँ अगर मैं ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अगर जो भी इस टेस्ट को चेक कर रहा है वो सिर्फ टैलेंट देखना चाहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो इसे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कि अगर देखा है कि भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, कि हाँ अगर इसने इस टाइप से कुछ एक आउटपुट दिया, फुल एंड फाइनल दिया। हाँ, अगर वो बहुत बारीकी को चेक करेगा, बहुत बारीकी जैसे छोटे छोटे पार्ट, जैसे मैंने अपने अभी दिखाया छोटे छोटे पार्ट को, अगर इसमें अगर तीन लेवल नहीं दिया होता तो शायद वो एक बार के सोचता कि भाई इन्होंने काफ़ी चीज़ को पिक नहीं किया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा है तो ओवरऑल चीज़ों को काफ़ी उसने अटैम्प्ट अच्छा किया है। ओवरऑल चीज़ों को अटैम्प्ट करने के बाद देखो टेस्ट होता है, टेस्ट बड़ा भी होता है, वो कई बार पूरे टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाता है, लेकिन उनको ये चाहिए कि एट दिन आपने कितना किया और करके दो। ऐसा खाली नहीं देना कि मेरा कंप्लीट हो तो मैं दूंगा नहीं, उनको चाहिए कि आपने कितना अटैम्प्ट किया एक बार करके दो, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ को थोड़ा देखोगे तो चीज़ों को अच्छे से अटैम्प्ट करके दिया है वो, चलो अच्छा है। इस चीज़ को अभी को यहाँ पे अपने का थोड़ा सा देखा है तो उसको प्रॉपर क्लीन प्लेट बना के चीज़ों को मैनेज करके कैसे मैनेज कर रखा है, पीछे का बैकग्राउंड कैसे मैच करके दिया, तो थोड़ा सा टिप्स है कि अगर देखो ये चीज़ भी मैच करना मुश्किल है। काफ़ी लोग सिंपल डायरेक्ट रेंडर देने वाले हैं, दिखाता हूँ एक मिनट। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी रेंडर देने वाले कि आप कैसा रेंडर दिया, चीज़ों को मैनेज किया है, नीचे आपका अलग बेस में हल्का ग्रास वास का चीज़ों को मैनेज करके दे रखा है कि भाई किस टाइप से आप मैनेज करके दे सकते हो और लुक एंड फील किस टाइप से आप बना सकते हो। तो फुल एंड फाइनल अगर आप टेस्ट को अगर इस टाइप से करोगे तो अच्छा रहेगा और चांसेस बनेंगे आपके लाइक सिलेक्शन के। मैं कुछ एक टेस्ट ऐसे भी आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें क्या है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, टेस्ट दे के सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वो भी टेस्ट मैं आपके साथ थोड़ा डिस्क्लोज करूँगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स किस टाइप से डील कर रहे हैं, किस टाइप से काम करें और कैसे उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है।